हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप पुराने अनसपोर्टेड डिवाइस में विंडोज 11 को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने जो है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको उसको कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि फ्रेंड्स एकदम ऑफिशियल मेथड है। आपको कोई भी पंगे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फाइल रिप्लेसमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपके वो एक ISO फाइल चाहिए, एक पेन ड्राइव चाहिए और रूफस सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और बाकी जो है आप अपने पुराने किसी भी डिवाइस में आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को रिव्यू बता देता हूँ। मैंने इसको सेकेंड जनरेशन के i5 प्रोसेसर, ठीक है, 8GB रैम और 2GB NVIDIA के ग्राफिक कार्ड वाले पुराने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल किया। तो फ्रेंड्स ईजिली इंस्टॉल होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या क्या हुआ पहले वो जान लेते हैं। फ़ायदा ये हुआ फ्रेंड्स कि इसका बैटरी बैकअप मेरे को विंडोज़ 11 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 30% के करीब, ठीक है। जैसे मैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, विंडोज़ 10 पे जैसे ऐसे स्विच करता गया था मेरा बैटरी बैकअप डाउन होता गया था। लेकिन मुझे पहला ऐसा वर्जन देखने को मिला है विंडोज़ 11 जिसमें बैटरी कंजप्शन जो है मेरे को देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कम बैटरी कंजप्शन है दूसरे OS के मुकाबले, विंडोज़ OS के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला। परफॉर्मेंस भी फ्रेंड्स पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि जैसे आप विंडोज़ 8, 8.1 में आप नॉर्मल ट्विक्स के थ्रू परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर लिया करते थे अपने लैपटॉप्स की या डेस्कटॉप की, विंडोज़ 10 में थोड़ी सी वीक हो गई थी। तो वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड आपको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, तो उसकी हेल्प से जो है मेंटेन हो गया था लगभग। अब मैंने इसको विंडोज़ 11 के अंदर हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करके ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, आज से पहले ऐसी परफॉर्मेंस मेरे को अपने लैपटॉप में देखने को नहीं मिली थी। अब फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी बातें जो है हमें सुनने को मिल रही है इसके अंदर, हमें अपडेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुतों को तो देखने को ही नहीं मिला फ्रेंड्स कि कोई अपडेट भी आया। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी अनसपोर्टेड डिवाइस है, मैं यहाँ पे सिर्फ अनसपोर्टेड डिवाइस की ही बात कर रहा हूँ, उस डिवाइस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप में बताया, यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइड से ड्राइवर के अपडेट देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे केस में मिला है और आपके केस में भी मिलेगा, ठीक है। क्वालिटी के कुछ अपडेट्स जो है आपको देखने को मिले हैं, और विंडोज़ के जो अपने खुद के अपडेट होते हैं और विंडोज़ डिफेंडर के, वो भी आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता दूँ, जो अपडेट आपको ऑफिशियल डिवाइसेज जो यानी वैलिड डिवाइसेज हैं विंडोज़ 11 के लिए उनके अंदर आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो अनसपोर्टेड डिवाइस है वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड अपडेट्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नए अपडेट्स को अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विंडोज़ 11 में जो अनसपोर्टेड डिवाइस वाले हैं उसके अंदर आप इंस्टॉल कर ले, तो आपको मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा अपडेट जो है। माइक्रोसॉफ्ट के जो डाउनलोड सर्वर है वहाँ से आपको जाना है उस वेबसाइट पे, और आपको जो है वहाँ से क्लिक करके जो है आपको उन अपडेट्स को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा झंझट वाला काम है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू जो है देखने को नहीं मिलेगा, और जो लैपटॉप है पहले के मुकाबले मेरा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो आपको भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस वाइज मेरे को नहीं लगता कोई भी इशू जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर अनसपोर्टेड जो पुराने अनसपोर्टेड डिवाइसेज हैं उनके अंदर आपको जैसे रैम के इश्यूज कुछ देखने को मिल रहे हैं, कहीं CPUs के इश्यू देखने को मिल रहे हैं, बार बार जो है ब्लू स्क्रीन एरर जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो मेरे को अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, और मेरे केस में CPU भी अनसपोर्टेड है, ठीक है, कोई TPM नहीं है मेरे सिस्टम में इंस्टॉल, ठीक है, सिक्योर बोर्ड भी इनेबल नहीं है, और MBR के उस पर ही मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है, जो इसका पार्टीशन स्टाइल है स्कीम का। तो मुझे तो ऐसा कोई भी इशू जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, मैं पुराने डिवाइस में इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप भी जो है इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अपडेट्स की आपको जो है टेंशन लेनी पड़ेगी और खुद ही मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको डायरेक्टली अपडेट नहीं देगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है, ये 10% मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है आने वाले टाइम में अनसपोर्टेड डिवाइस में भी शायद कुछ अपडेट जो है देने लग जाएगा। ये कंफर्म बात नहीं है, ऐसा ये मेरा मानना है, क्योंकि अनसपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट बहुत बड़ी है और माइक्रोसॉफ्ट इस मार्केट को जो है खोना नहीं चाहता। अपने यूजर्स का कैसे ध्यान रखना है ये माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे से जानता है। तो आने वाले टाइम में मे भी ऐसा हो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अनसपोर्टेड डिवाइस में भी इसके अपडेट जो है देने लग जाएं। अगर आप फ्रेंड्स विंडोज़ 11 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपना यूज़ कीजिए, कुछ टाइम बाद जब इसकी ISO का नया अपडेट आ जाए उसको आप फिर से मैनुअली डाउनलोड करके फिर से फॉर्मेट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ओल्ड डिवाइसेस के लिए या अनसपोर्टेड डिवाइसेस के लिए आपको कुछ इसी तरीके से जो है अपने डिवाइस के साथ वर्क करना पड़ेगा। आपको कोई भी इशू जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी
और हाई बीटेबल परफॉर्मेंस आपको विंडोज 11 के अंदर जो है देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज 11 को पुराने कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसके लिए चलना होगा हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम प्रॉपर्टी में चेक करा देता हूं कि देखिए यहां पे मैंने विंडोज 11 प्रो को इंस्टॉल किया हुआ है जो कि सेकंड जनरेशन का i5 CPU है मेरे पास। इसके अंदर कोई TPM नहीं और नो सिक्योर बूट, यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज़ का आप उसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, चलिए प्रोसेस को जानते हैं। सिंपली आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रूफस, और आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको जो है इसका लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है। पुराने वर्जन में काम नहीं करेगा, सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में काम करेगा। तो 3.17 जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 1.5 से 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ईजिली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ईजिली डाउनलोड भी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मूव कर लेता हूँ। तो हमने जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमारे पास रूफस आ गया। अब हमें इसकी ISO इमेज चाहिए, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो गूगल पे सर्च करना है आपको विंडोज़ 11 डाउनलोड या विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड करके आपको सर्च करना है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट लिंक मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की, इसी लिंक से आपको डाउनलोड करना है। किसी थर्ड पार्टी लिंक से आप इसको डाउनलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वायरस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको विंडोज़ 11 की डिस्क इमेज ISO का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। विंडोज़ 11 आपको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट लैंग्वेज पूछ रहा है, आप इंग्लिश या इंग्लिश इंटरनेशनल को सेलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। और उसके बाद ये 64 बिट में ही है विंडोज़ 11, तो 64 बिट पे आप क्लिक करके इसका डाउनलोड कर लीजिए। 5.5 GB की ये ISO फाइल है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद जो है फ्रेंड्स इसको मैंने अलग से फोल्डर में डाल लिया है। यहाँ पे देखिए विंडोज़ 11 नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये दोनों फाइल आ चुकी है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों फाइल है, तो देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, रूफस के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है आपको इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से अटैच किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, और अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है पेन ड्राइव को। तो ये रही मेरी पेन ड्राइव अटैच है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ से पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। अब ISO का पाथ पूछ रहा है, तो आप ISO को डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देखिए ISO खुद सिलेक्ट कर लेगा। ISO सिलेक्ट करने के बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड, ठीक है, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन, आपको नो TPM, नो सिक्योर बूट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको GPT से MBR सेलेक्ट करना है पार्टीशन स्कीम को, और कुछ भी नेम दे सकते हैं, और यहाँ से NTFS सेलेक्ट कीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब ये फॉर्मेट करने को बोलेगा, फॉर्मेट कर देगा, और जो इसकी ISO है उसे पेन ड्राइव के अंदर बंद कर देगा। बंद करने के बाद जो है ये देखिए कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकता है बंद करने में। तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइस अब आपकी रेडी है, तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है और रेडी का भी स्टेटस आपको दिख रहा है, तो बस आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और इसकी BIOS में जाना है। तो चलिए अब इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद जो है आपके सामने, जब ऐसे जैसे ही आप BIOS के अंदर एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ये ऑप्शंस आएंगे बूट मेन्यू का। आपको अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, प्रेस एनी की टू, कोई भी की को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, और आपके सामने जो है इसका सेटअप जो है रन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे फिल करनी है कि आपको क्या टाइम चाहिए, करेंसी क्या चाहिए, कीबोर्ड लेआउट कौन सा चाहिए, ये सब सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ नेक्स्ट करके इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने सेटअप आ जाएगा, प्रोडक्ट की मांग रहा है फिलहाल, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। अब स्किप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वर्जन पूछ रहा है विंडोज़ 11 के, सारे वर्जन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो को सिलेक्ट करते हैं, इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कस्टम पे जाते हैं, और यहाँ से इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ क्योंकि विंडोज़ 10 जो है मेरी सी ड्राइव है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट किया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग इसकी जो है स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है फ्रेंड्स 2 से 2.5 घंटे का है, ठीक है, ये विंडोज़ 11 के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये पुराने OS के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं आपका कंप्यूटर जो है 2 से 3 बार जो है रिस्टार्ट हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में। तो ऐसे स्टार्ट होगा, आपके सामने विंडोज़ 11 का सेटअप आ जाएगा, आपको अपने फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेना है।
तो सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम को भी आप सेटअप कर लीजिए और ये प्राइवेसी सेटिंग्स अपने हिसाब से जो आपको ऑन रखनी है जो आपको ऑफ करनी है उसको ऑन ऑफ कर दीजिए और आप बूम देख सकते हैं कि आपने जो है अपने पुराने कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैंने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया, जो कि एक पुराना लैपटॉप है। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने हमने किस तरीके से एक पुराने डिवाइस के अंदर, एक पुराने लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 को कैसे हमने इंस्टॉल किया। और मैंने आपको लास्ट में ये भी दिखाया कि ये पुराना कंप्यूटर है सेकंड जनरेशन का, आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको लास्ट में वो भी चेक कराया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी भी पुराने कंप्यूटर या पुराने लैपटॉप में विंडोज़ 11 का फ्रेश एंड क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। अगर कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे भी आप मेरे को DM कर सकते हैं। अगर आप सभी ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रैवल ब्लॉग्स, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।